गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई लोग, अभी निकल गया मैं और पता नहीं क्या हो गया मोबाइल में, हैंग हो जाता है कभी कभी। पता नहीं कुछ होगा प्रॉब्लम, कुछ तो होगा, अपडेट होगा, कुछ होगा इशू। तो आज भी गुड़गांव में ही रहेंगे, कहीं और जाना नहीं है, लेकिन काम बहुत है। कहते हैं कब तक फ्री होते हैं। और एक बात तो है कि कहीं जाना हो, अब प्लान करे हो तो कुछ सोच समझ के ही रहता है सुबह सुबह। अभी जाएंगे, देखते हैं बहुत क्या रास्ते में जाम ना मिले। बस देख रहे हो, देख रहे हो भाई को, इनको खुश ना है। देखो, देख रहे हो कि बाइक वाले ऐसे ड्राइव करते हैं, कहीं इधर से उधर, इधर से उधर घुसना इनको मतलब एकदम जरूरी है भाई। लगता है कि यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं। मतलब कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, पता नहीं कितना मिनट बचाते होंगे, आइडिया तो नहीं है मुझे। लेकिन हरकतें इनकी ऐसी है कि भाई कैसे भी मतलब निकल जाओ, आगे निकल जाओ, पता नहीं। अब ऐसे लोगों को क्या कर सकते हो, जिनकी सोच ऐसी है कि भाई कैसे मार दो, स्क्रैच मार दो किसी गाड़ी में, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हो सकता है 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते होंगे, कुछ होगा आगे तो देख लो क्या जाम लगता है आजकल यहाँ पे। इसमें कोई आगे पहुंच सकता है? आप कितना भी कोशिश कर लो। और आप देखोगे अभी 1 किलोमीटर लंबा जाम दिखेगा यहीं पर। ये अर्जनगढ़ का मतलब पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, हर दिन का है ये। देखो ये सब लोग रुके हैं ना ये जाम के चक्कर में, देख रहे हो, देखो आगे पूरा जाम, 1 किलोमीटर लंबा जाम आजकल लग रहा है यहाँ पे। कुछ तक को मतलब पता नहीं क्या हुआ है, पहले नहीं लग रहा था बट अभी लगने लगा है, क्योंकि लगता है सिग्नल खराब है या कोई पुलिस वहाँ खड़ी नहीं रहती। दो में एक बात ही है, क्योंकि अभी पिछले 10 दिन से ये देख रहा हूँ मैं यहाँ इतना लंबा जाम, क्या करे। देख लो भाई लो, अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं, अभी जाएंगे, एक और काम है, एक मीटिंग है उसको करेंगे, फिर उसके बाद निकल के देखो कहाँ जाते हैं। ये दिन में ऐसे रहता है यहाँ पे, दिन का माहौल ही अलग है। पर ट्रैफिक देख लो दिन में भी ऐसा, अभी तो शाम हो गई, पता नहीं कितने ट्रैफिक रहा है, लेकिन देख लो अभी फिलहाल तो ये है सिचुएशन। कुछ भी कर लो भाई, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो ड्राइव करेंगे तो जाम लगा ही देंगे, बट फिलहाल मेरा क्या, मैं तो जल्दी से, देखो जो रोज आता जाता है उसको तो पता ही है कि यार जाम लगना है। देखो अभी कैसा दिख रहा है, तो जिसका रोज का है भाई उसको तो क्या करना, एडजस्ट हो जाता है कि जाम है चाहे कुछ भी है, आप बस देखते जा लेके। देखो ऐड को आई वीवो का लग गया यहाँ पे, तो चेंज होते रहते हैं यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया। और ये अपार्टमेंट देख रहे हो कैसा देसी, पुराने जमाने का तब बना था, आज के डेट में देखो कैसा है। अब तो आज बना होता है ये तो कितनों मतलब ले नहीं पाते हैं इस लोकेशन पे, जब बना है तब क्या कॉस्ट है इसका। देख लो भाई लो, अब निकला हूँ मैं, कितना लेट हो गया आज तो बहुत ज़्यादा। और क्या बताएं इस ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं। अभी जितनी जल्दी हो सके घर पहुँच जाऊँ तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आ जाओ यहाँ काम के लिए फिर तो बहुत लेट होता है। सबसे जरूरी है रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलना। फिलहाल रोज का मेरा तो ऐसा ही है कि आना जाना इधर इस रास्ते से मैं रोज आता जाता हूँ, रोज ट्रैफिक का है, कभी ना कभी कभी आता हूँ, कभी जैसा हो टाइम, जब मतलब काम खत्म होता है तभी निकल जाता हूँ मैं। तो यही एक दो रास्ते हैं, जब भी आओ जाओ देख लो, फिलहाल तो यहाँ से निकल जाए। और एक बात देखो, आज यहाँ काम हुआ है, कल कहीं और जाना है, परसों कहीं और जाना है, हर दिन का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है भाई। जाने दे भाई।
सब लेफ्ट से मारते हैं सब। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल तो यहाँ से निकल गया तो अपना काम, आधा काम तो ये हो जाता है, यहाँ से निकल गया ट्रैफिक जाम नहीं मिला तो काम खत्म। दिक्कत देखो अभी रास्ते में, अगर जब जा रहे हो रास्ते में और ट्रैफिक जाम नहीं मिले तो सबसे अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो भाई साहब। अभी रात देखो, एक दिन की ऐसे ही बता रहा हूँ, एक दिन रात में मैं यहाँ से जा रहा था 11 बजे या 12 बजे, तो कोई नहीं था रास्ते में, सुना सा एकदम, वैसे ऐसे दिल्ली में होता नहीं है, कोई ना कोई गाड़ी आगे पीछे आती रहती है, लेकिन जब मैंने देखा क्या कि एक बंदा रात को लिफ्ट मांग रहा है, मतलब कोई रात में लिफ्ट देगा, कोई नहीं देगा, अनजान रास्ते में वो भी एकदम ऐसे सुना रास्ते में लिफ्ट मांग रहा था, तो मैं अपना गाड़ी आगे बढ़ा दिया। अगर रात को आपने रोक दिया ऐसे में तो भाई कुछ भी हो सकता है, गाड़ी पैसा कुछ छीन लेंगे, पता चले एक बंदा दिख रहा है 5-6 बंदे छुपे हों वो भी आ जाएंगे, कुछ भी हो गए तो ऐसे में तो गाड़ी रोकना ही नहीं, चाहे कोई भी लिफ्ट क्या देना यार, रात को जिसको जाना पैदल जाए या चाहे जो करना है कर ले। तो ये एक मोटा मतलब ये है कि भैया रात को कोई भी हाथ दे रहा है रोकने के लिए कहीं भी, अगर आप नोएडा से दिल्ली आओगे रात में तो आपको सुना मिलेगा, मयूर विहार वाला रोड जो है जहाँ अक्षरधाम होकर पूरा ऐसे मिलेगा, कोई दिखाई नहीं दे, चाहे उखला वाला रोड है जो वो उस रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ऐसे रास्ते से तो भाई कोई ना कोई मान लो कुछ भी हो ऐसे में रोके तो रुकना ही नहीं, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी है कि क्या किसी को हेल्प करना रात में, रात में क्या दिन में भी। तो मैंने देखा कि ऐसे होता है कि लेट नाइट आप कभी निकलो तो सावधानी तो अपने आप में होनी चाहिए, क्या भाई सेफ्टी अपना है तो क्या, अगर कोई रुकता भी है कुछ भी, जनरली मैं रात को हाईवे पे भी बहुत बार आया गया हूँ लेकिन मैं रुकता नहीं, गाड़ी ठीक रहनी चाहिए, कोई पंचर ना हो बस, या कोई खराबी ना आए, आप आराम से अपना बढ़ जाओ, कोई ये नहीं, और ध्यान रखो कि कोई फॉलो ना करे आपको पीछे, तो कोई बोलेगा पीछे फॉलो करने है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये एक चीज़ आप मिरर में देख के ध्यान रख सकते हो। तो करते हैं लोग ऐसा, यहाँ सब दुकानें बंद हो जाती हैं आजकल, पता नहीं क्यों जल्दी बंद हो जाती हैं, कुछ इलेक्शन टाइम के चक्कर में लेट नाइट लगता है खुला नहीं रहता, बंद हो जाता है, इलेक्शन भर ऐसे ही रहेगा, देखो सब बंद है, अभी टाइम ही क्या हुआ देखो 9:30 हो रहा है अभी, लेकिन सब बंद हो गया, तो वो मोस्टली इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि बंद कर देते होंगे जल्दी, आया होगा MCD से कुछ टाइम लाइन। फिलहाल तो यही देखता हूँ मैं, रोज बंद हो जाता है, मुझे लगता है 8-8:15 तक कुछ बंद हो जाता है, अब ऐसे ही 10-11 बजे रात तक खुला रहता था, पता नहीं अब क्यों ऐसे हैं। एक बार ये चीज़ नोटिस किया है मैंने, तो इलेक्शन के बाद भी चेक कर लेंगे क्या है। पीछे एक क्रेटा वाले ने ठोक दिया था और उसका एयर बैग सब कुछ खुल गया, बताओ ऐसे ड्राइव करते हैं, जहाँ स्पीड लिमिट 50 है उस रास्ते में भी लोग ऐसे ड्राइव करते हैं, गियर बैग खुल जाता है तो क्या कर सकते हैं, और बहुत मतलब गाड़ी भरी हुई थी, पता नहीं किस चीज़ क्या लोड किया हुआ था गाड़ी में क्रेटा में, और ठोक दिया और उसका एयर बैग सब कुछ खुल गया था, आगे बोनट पूरा डैमेज हो गया था। तो लोग ऐसे ही ड्राइव करते हैं भाई, किसी को मतलब इस रोड में तेज चलाने का क्या मतलब, जहाँ स्पीड लिमिट आपको दिया हुआ है 50 का, उसमें अगर आप तेज चलाओगे तो अभी ऐसे कोई ना कोई धीरे चलाएगा, ब्रेक लेगा, कहीं ना कहीं तो ठुकना ही है, तो पता नहीं कैसे चलाते हैं, समझ नहीं आता। तो भाई लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।